हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम एक ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। सबसे पहले एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक नॉर्मल गियर वाली गाड़ी और एक ऑटोमेटिक गाड़ी में यही होता है कि एक नॉर्मल गाड़ी में गियर होते हैं जो आपको बार बार चेंज करने पड़ते हैं अगर आपको अपनी गाड़ी की रेस बढ़ानी है। लेकिन एक ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी में सिर्फ आपको गियर डालना है और सारा डिपेंड करेगा कि आप कितनी रेस देते हो, उस हिसाब से आपकी गाड़ी चलेगी। सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा। एक सबसे बड़ा इसमें एक जो बात सीखने वाली है कि यहाँ पर फोकस करिए, ये है इसका ब्रेक और ये है इसकी रेस। ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी हमेशा ब्रेक पे पैर रख के और गाड़ी जब न्यूट्रल में होगी तभी स्टार्ट होगी, वरना आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे अगर मैं बाई चांस यहाँ पे मैंने ये देखिए मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया, पैर मैंने ब्रेक पर रखा हुआ है अभी भी, लेकिन ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि ये स्टार्ट ऐसे नहीं होगी। अब मैं इसको न्यूट्रल पे कर दूंगा, न्यूट्रल पे कर दिया, ब्रेक पे मैंने पैर रखा हुआ है। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि गाड़ी न्यूट्रल पे है और ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई पहला। अब मैं इसमें साइड के शीशे खोलूँगा दोनों तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, और मैं आगे का शीशा भी एडजस्ट ज़रूर करूँगा ताकि मैं पीछे का ट्रैफिक देख सकूँ। और एक और जो सबसे बड़ा रूल है कि आप सेफ्टी बेल्ट जरूर बांधिए। अब सबसे पहले मैं इसमें आगे का गियर डालूंगा। ये देखिए पीछे की तरफ ये इसका फर्स्ट गियर डल गया पहला। ये मैंने हैंड ब्रेक हटा दी और अब मैं गाड़ी सिंपल मूव करूंगा। अब आगे दिखाइए प्लीज। ये देखिए हमारी गाड़ी चल रही है। एक बार नीचे भी फोकस करिए कि मैं सिर्फ रेस से पैर हटा रहा हूँ, मैं कोई रेस नहीं दे रहा, गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये हो गया आपका आगे का। अब अगर आपको गाड़ी रिवर्स करनी है तो आप न्यूट्रल पे लाइए और ये आपकी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। ये हमारी गाड़ी रिवर्स हो रही है, इसमें मैं कोई रेस नहीं दे रहा क्योंकि ये अपने आप आगे बढ़ रही है, तो रेस देने की जरूरत नहीं है। देखिए रेस आप तब जीतिए अगर आपको गाड़ी को इस स्लोप पे चढ़ानी है या फिर आपको कोई, मैं साइड की चेक खोल के पीछे जरूर चेक करूंगा। हमेशा गाड़ी चलाते समय साइड के शीशे पे जरूर ध्यान दें और साइड के ट्रैफिक पे भी। एक और जो इसमें सीखने वाली बात है वो ये है कि ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका गियर जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, और अगर आपको अपनी गाड़ी स्पीड में बढ़ानी है तो आपको ये है प्लस। जब आपको अपनी गाड़ी स्पीड में करनी हो या अगर आपको अपनी गाड़ी नॉर्मल चलानी हो तो आप प्लस करें और फिर नॉर्मल रेस दीजिए और आपकी गाड़ी आगे बढ़े। ये जो पहले वाला होता है ये सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली वो ये कि हमेशा ब्रेक पे पैर रखिए, गाड़ी आपकी न्यूट्रल में होनी चाहिए तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, वरना स्टार्ट नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो रेस का ही है कि आप रेस का ध्यान दीजिए कि आप कितनी गाड़ी में रेस दे रहे हैं। कभी भी जब भी आप ड्राइव करते हैं कभी भी गाड़ी में लाउड म्यूजिक ना सुने क्योंकि आप पीछे का हॉर्न नहीं सुन पाएंगे। सेफ्टी बेल्ट हमेशा बांधिए जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप देख सकते हैं गाड़ी न्यूट्रल पे है और ये मैंने हैंड ब्रेक भी लगा दिया, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अच्छा बना पाएँ आपके लिए। थैंक यू।